नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। तहसील मिलक के ग्राम धनेली की बबली नाम की एक महिला ने 32 लोगों से किसी से 3 लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए तो किसी से 1 लाख रुपए लेकर अपने पति के साथ मकान पर ताला लगाकर घर से कहीं फरार हो गई। वहीं महिलाओं को सुबह जब पता चला तो देखा उसके घर पर कोई नहीं है। तभी सारी महिलाएं एकत्र होकर अपनी आपबीती बताने लगीं, जिसमें जिम की कुछ महिलाएं भी थीं, जिन्होंने अपने पतियों से बिना पूछे ही उसे रुपए दे दिए, जिसे लेकर बबली पति के साथ फरार हो गई। वहीं बैंक से उसने सारे पैसे निकाल लिए। वे महिलाएं आज कहीं जहर खाने को तो कहीं फांसी लगाकर मरने को तैयार हैं। ऐसे समय में गाँव धनेली उत्तरी में मचा हड़कंप। ऐसे में न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के संवाददाता शंकर सिंह पहुंचे, जिन्होंने बाहर का जायजा लिया। वहीं पर सारी महिलाओं ने एक स्थान पर इकट्ठा होकर अपने अपने नाम व किसने कितने रुपए दिए वो सब लिखवा कर हमें सारे डॉक्यूमेंट दिए। वहीं सारी महिलाओं ने सरकार से निवेदन किया है कि सरकार हमें न्याय दे और ऐसा कुछ करे ताकि कोई बबली और उसके पति को देखकर दोबारा वह गलती ना करे। वहीं महिलाओं ने बताया कि बबली और उसका पति दिल्ली गुड़गांव में इस वक्त रह रहे हैं। उनका कहना है कि जिस फार्म में वह रह रहे हैं वह फार्म मालिक उनचास है, उन्हें पुलिस के हवाले करे। सरकार से महिलाओं ने हाथ जोड़कर विनती की कि ऐसी महिलाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। 1.5 लाख रुपए आपसे भी बबली ले गई, कौन सी डेट मिली है आपसे पता चलेगा कुछ? एक साल हो गया आपका 1.5 लाख रुपए लिए हुए, तो आप थाने वगैरह गई? कितने लोग गए थाने? 20 लोग थाने गए थे। आप एप्लीकेशन दिया आपने? क्या कहा उन्होंने? भगा दिया। क्या क्यों मना किया उन्होंने? ठीक है जी, आपका क्या नाम है, कहाँ के रहने वाली हैं आप? धनेली। तहसील का आपकी जिला जी, बताएं क्या समस्या आपकी? कितने पैसे लिए आपसे? 1.5 लाख रुपए आपसे लिए। अब क्या चाहते हैं आप? जी आपका क्या नाम? मिथिलेश जी, बताएं कहाँ के रहने वाली हैं जी? तहसील कहाँ की आपकी? जिला रामपुर जी, बताएं क्या समस्या? किस्त निकलवा करके बबली जी 3.25 लाख रुपए आपसे ले गई, अब क्या चाह रही हैं आप? अब ये चाह रहे हैं इंसाफ चाहिए। थाने गई थी आप? थाने हम नहीं गए थे। तो कोतवाली और तो गए होंगे? और गए थे, हम नहीं गए थे। हमसे मना कर दी थी, कहा था कि जब तुम जाओगी थाने के टाइम तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, हमें धमकाओ। यानी उन्होंने कहा कि अगर आपने थाने गई तो हम आपको पैसे वापस नहीं करेंगे? नहीं देंगे। हाँ, तो और जो जाएगी उसके कितने देंगे, जो नहीं जाएगी उसके कितने? तो हमें उस तरह बहानों बनाकर और अपने रात में निकल के तारों ठोक के, यानी मकान में ताला लगा करके भाग गए। जी आपका क्या नाम है? इंदिरा जी, बताए कहाँ के रहने वाली आप? तहसील कहाँ की आपकी? जिला जी, बताएं क्या समस्या? मेरे क्या नाम है, दीदी दीदी करके इसमें किस्त निकलवाएंगे? मेरे आदमी की पता नहीं ना, अब पता चले हमारे घर वाले हमें मार रहे हैं, सब हैं, उसका हल हमें मिल नहीं रहा कहीं भी। आप थाने गई थी क्या? थाने गए हम। कितने लोग गए थे थाने? आप थाने लोग हम सभी लोग गए थे, किस्त वाले जितनी किस्ती चली थी समय चल रहे हमारे। क्या कहा थाने में? थाने में ये कहा था कि आपकी सुनवाई यहाँ नहीं होगी, ऊपर जाके करो कि यहाँ पे पैसा आपको, यहाँ पे तुम कितने भी चक्कर लगाओ हम तुम्हारा नहीं सुनेंगे, आप रामपुर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाके तुम्हारी सुनवाई होगी। 3 लाख रुपए लेके 4 किस्तें चल रही है मेरी। कितने कितने रुपए की किस्त चल रही है? मेरी क्या नाम है, 1 से 1.5 लाख चल रही है। 1 लाख से 1.5 लाख तक की आपकी किस्त चल रही है? एक बंधन से 1.5 लाख की चल रही है, एक जगह की 50,000 की चल रही है, एक जगह की 50,000 की चल रही है, एक 36,000 की चल रही है। उसी हिसाब से मेरा 3 लाख रुपए बैठ रहा है मियाँ ब्याज के, उस पर मैं भुगतान करूंगी? हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। मिलक में हम कई बार गए पर हमें महलों ने भी, लेडीज पुलिस ने भी और जेंट्स ने भी भगा दिया हमें कि जाओ हमारी विदेश में, क्योंकि वो नहीं लगाई उन्होंने, मोहर कुछ नहीं लगाई। क्या रहे वो आप, वो आप वापस ले आई? हम जो शरीर आप दे रही थी वो वापस ले आई? जी आपका क्या नाम है? संतोष जी। जी बताएं कहाँ के रहने वाली है? पीछे हट जाइए थोड़ी सी। गाँव का नाम कौन सा है? धनेली, उत्तरी धनेली। जी बताएं क्या समस्या आपकी? 2 लाख रुपया और का माई माई इनको माई दे दो, माई दे दो, हम दे देंगे तुम्हारी।
इंसाफ चाहिए, पैसे चाहिए उससे हमें, और जहाँ हो वो उसे खेत के देखो फोटो किसी का और आदमी किसी का। तो इससे पहले आपको पता नहीं चला कि ये फ्रॉड बना के काम कर रही है, आपको पता नहीं था? ये सर किसी को पता नहीं था, भागने के बाद पता लगा है, उसके भागने से बाद को पता लगा है। हमारे पास सर नोटिस आया, ये उसने कंप्लेन चिपकाया, सब पता लगी। हाँ जी, क्या नाम है आपका, कहाँ की रहने वाली है? अच्छा जी, तहसील कहाँ की आपकी? जिला जी, बताएं क्या समस्या? हमारे हाथ पास होते और पैसा हम तो लेकर भाग गए, 47,000 की किस्त हमारी, 50 की 1,00,000 रुपया है हमारा, 3,000 कमती, और किस्त कह रहे की मैं जमा कराऊंगी जमा कराऊंगी, हमारे आदमी को पैर तोड़ के डाल दी उसके आदमी। वो जब ताला लगा करके मकान से गई थी तो किस्त में गई, रात में दिन में? भागे सब लोग, ये नहीं रात में भाग गए, ताला लगा करके रात में भाग गए। किस्त किन से लेगा हम, हमारे घर पर 10,000 किस्त की जा रहा हुआ, पैसा दे पैसा दे। तो आप क्या कहते हो उस किस्तिया से? किस्तिया से कहते हैं हमने पैसा नहीं लिया है, बबली को पैसा दिया है उससे ले, हमने देने वाले पैसे, बबली देगी, हमारे आदमी को पैर लूले करो खटिया, हम किस्त कहाँ से देवे? आपके हस्बैंड जो चोट लगी हुई है क्या? इसके आदमी ने पैर तोड़ो टुकटुक से, मेरा आदमी, यानी किसके आदमी ने? हाँ बबली के, बबली के आदमी, फिर भी आपने मतलब जो पहले दिया हमारे पैसा दिया जनवरी में, कौन किस्त है? नाम बताओ, संतोष नाम है, बबली के घर वाले को नाम है, बबली के घर वाले का नाम संतोष है। चोट मारी थी मेरे आदमी को, क्या करूँगा मैं, किस्त बताओ कहाँ से भरा हूँ, छोटे बच्चे मेरे बच्चों को रोटी तक नहीं मिल रही टाइम से, जमीन न जगह, मेरे किस्तन को न्याय मिलना चाहिए, बस हमें न्याय मिलना चाहिए, किस्त मेरी जमा करा बबली, बबली ने पैसा लिया है, संतोष लेकर भागा है उसके ताई रात में, यानी बबली को संतोष लेके चले गए, उसके कोई फसल वाले को पैसा आएंगे ना, हम देने वाले हैं किसी को, यानी लफ्ज भी गलत किया, लफ्ज होते हैं गलत बोल करके गए, कोई फसल वाले किसी की सहन है ना, तेरी बबली सहन है ना तेरा ऊँठा है, और पैसा कोई फसल वाले कौन आएगा घर पर, उसकी वीडियो बनाओ और डालो थाने में, जाली काम कराया सब, जाली काम, जाली काम करा काम, पैसा लेकर भाग मैं उत्तर प्रदेश से जिला रामपुर शंकर सिंह न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस से, यहाँ तहसील मिलक ग्राम धनेली उत्तरी में इस वक्त उपस्थित हूँ। आइए सुनते हैं लोगों की क्या समस्या है और पता करते हैं। जी क्या नाम है आपका? हीरा कली। हीरा कली, कहाँ रहते हैं आप? धनेली उत्तरी। क्या समस्या है आपकी? बबली पैसे लेकर चली गई है। कितने पैसे ले गई वो? 2,00,000। बबली? हाँ। 2,00,000 रुपए आपसे लिए? हाँ, लिए। कितने समय हो गए लिए हुए? हो गया 1 साल। 1 साल, उन्होंने क्या कहा आपसे? वो ये बोली आप मुझे पैसे दे दो दीदी, मैं जमा कर दूंगी, दे दूंगी आप। किस विषय पे दिया आपने जब पैसे? उसके विश्वास पे दिया। नहीं नहीं, क्या चला रहे थे आप उसको पैसे देने के लिए, क्या चला रहे थे? समूह चला रहे थे। ठीक, ओके, थैंक यू जी। आप बतलाएंगे आपका क्या नाम है? जमुना जी। समस्या क्या आपकी? समस्या से बबली 1,00,000 रुपए लेकर चली गई। आपके 1,00,000 रुपए लेकर के बबली चली गई? अच्छा जी, क्या करती थी वो? वो रोती थी, बुलाती थी कि हमें पैसे दे दो, उसे मजबूरी देकर। किस विभाग में थी वो? ये समूह में। समूह में, अच्छा जी। आपका क्या नाम है जी? बबली पैसे लेकर चली गई। नाम क्या आपका? तोसी। तोसी, अच्छा जी, तोसी जी, बताएं क्या समस्या है आपकी? बबली पैसे लेकर चली गई हमारे 1,50,000। आपके 1,50,000 रुपए लिए? किस समय लिए? 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, क्या कहा उसने? उसने बोला, क्या कहते हैं, हमारी परेशानी देख लो, फिर हम किस्त। अच्छा, आपकी किस्तें चलती थी? हाँ। अच्छा जी जी, आपका क्या नाम? प्रीति। प्रीति जी बताइए क्या समस्या आपकी? अच्छा जी, पैसे मांग रही थी तो पैसे को किस्त निकाल दो, तो किस्त निकाल दिए, तो वो पैसे लेके चली गई, 1 साल हो गया किस्त निकले हुए, आज किस्त भी जमा नहीं करी उसने। तो अब आप क्या चाहती है? किस्त जमा करा है वो, इंसाफ चाहता हूँ। अब आप इंसाफ चाहती है जी? आपका क्या नाम है?
सुधा सुधा जी बताइए क्या समस्या आपकी। क्या हमारी किस्त बताए 1,20,000 की लेके गई है, भाग गई। कौन लेके गई है? बबली। बबली हाँ। यानी सभी लोगों से बबली ने ये फ्रॉड के काम किए। पैसा निकलवाया किस्त हम जमा कर देंगे तो तुम हमें किस्त निकलवा दो, तो हमने दे दी। इसकी मजबूरी देखकर हमें ये थोड़ी पती के जाल में फांस के लेके जा रही है हमसे, तो आप ना भूलिए तारा लगा कर। थैंक यू। हाँ जी, आपका क्या नाम है? बिजनेस। कहाँ के रहने वाली हैं आप? धनेली उत्तरी की। आपकी तहसील? जिला, तहसील मिला। जिला रामपुर। रामपुर जी, बताएं समस्या क्या आपकी? हमारी भी यही समस्या है, हमसे किस्त निकलवा के वो कह रही हम जमा करते रहेंगे, वो पैसे लेकर भागी 50,000। आपको 50,000 रुपए लिए? अच्छा जी, आपका क्या नाम है? चमेली। चमेली जी, जी चमेली जी बताइए क्या समस्या आपकी? हमारी ये समस्या, हमारा 1,60,000 लिखा था। कहाँ की रहने वाली हैं आप? धनेली की। अच्छा जी, जी बताएं। हाँ, तो अब बोली कि हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पापा हमें किस्त दे दो, हम तुम्हारी अदा करते हैं। हम तो राड़ी रपाड़ी हैं, कहाँ तो दुकान वो घूम कैसे लेके भाग गई, साल भर हो गया। अब कहाँ है वो आपको पता है? कुछ कोई पता नहीं है हमें। उसका कोई पता नहीं है कि कहाँ रह रही है? कोई पता नहीं, भाग गया चोरी चोरा भाग गया। जी, आपका क्या नाम है? साइड हो जी। सरस्वती जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? धनेली। तहसील कहाँ की आपकी? मिला। जिला आप थाने गए इस विषय में? कितने लोग गए थाने? 20-25 लोग थाने गए, यानी उन्होंने एप्लीकेशन स्वीकार की नहीं थाने में? सुनवाई नहीं करी, कोई भी सुनवाई आपके थाने से नहीं हुई? अच्छा जी, जी आपका क्या नाम है? सुनीता जी, जी बताएं क्या समस्या आपकी? 1,00,000 रुपए। नाम क्या है आपका? सुनीता। कहाँ की रहने वाली हैं आप? धनेली की। एक जवाब बोली। और जिला कौन सा आपका? रामपुर। तहसील? जी बताएं। हमसे बोली बबली आप पैसे दे रहे आप हमारी है। जी, हमने उसे दे दिए, अब वो फ्रॉड ब्यूरो में लेके भाग गई। कोई आपने FIR वगैरह की उस पे? उसका की, वो उस पुलिस वालों ने सुनी नहीं। क्यों नहीं सुनी पुलिस वालों ने? पैसे भर गई। कितने पैसे भर दिए होंगे? 20-25,00,000 बता रहे हैं। 25,000 रुपए पुलिस वालों को दे दिए तहसील मिलक में कोतवाली। जी आपका क्या नाम है? उर्मिला जी, आपका गांव कौन सा है? उत्तरी धनेली। तो आप बताइए क्या समस्या है आपकी? 1,00,000 रुपए लेकर भाग गई, पता ही नहीं चल रही है कहाँ गई बबली। 2,00,000 रुपए लेकर भाग गई। तो आप थाने गई थी? थाने गए तो 4 बार गए, मगर सुनवाई नहीं हुई हमारी। किसके पास गई थाने आप? थाने दरोगा गई। यानी महिला कांस्टेबल थी या दरोगा थी? कौन? महिला के भी थाने गए और दरोगा जी के थाने भी। अच्छा जी, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने सुनवाई नहीं करी। क्या क्या? तो उन्होंने मतलब कोई सुनवाई नहीं की आपकी? नहीं, कोई सुनवाई नहीं करी। अब आप क्या चाहती हैं? हम ये कहते हैं पैसे चाहिए। बबली जब आएगी तब पैसा जमा होगा या उससे पहले? पहले होगा जमा, हम कहाँ से करेंगे साहब, गरीब हैं हम तो। नहीं नहीं, बबली ही करेगी वो पैसा जमा। बबली कराएगी जमा। जी आपका क्या नाम? भूरी देवी जी, कहाँ के रहने वाली हैं आप? उत्तरी धनेली की। जी तहसील कहाँ की आपकी? मिलक। जिला रामपुर। जी बताए क्या समस्या आपकी? 50,000 रुपया फोन आ रहा हूँ। आपने कब दिए 50,000 रुपए? 6 महीने हो गए। 6 महीने से आपने मतलब 50,000 रुपए दिए? कितनी बार थाने गए आप? थाने गए तो थाने कोई सुन ना हुआ? कोई ना सुनी सुनी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।